आज हम लोग छह विधायक माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का प्रोन्नति को लेकर के जो मामला विधानसभा में मेरे द्वारा उठाया गया था और इसकी कमेटी बनाई गई थी विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय जी ने, और उस कमेटी के संयोजक आपके दीपक बिरुआ जी, आज मनिका विधायक इधर निरल पुत्ती जी, सुखराम उराव जी और बैजनाथ राम जी, सारे लोग हम लोग एक साथ मिले और इसमें हम लोग 22 विधायक लोगों का हस्ताक्षर उसको हम लोगों ने दिया पूरा, यहाँ पर है पूरा कि SC ST अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का प्रोन्नति जो पूर्व में उनके साथ जो अन्याय हुआ है, क्योंकि विधानसभा का जो कमेटी का रिपोर्ट हम लोग ने सरकार के पास माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से जमा कर दिया है, तो भूत इसका आप भूतलक्षी प्रभाव से आप इसको लागू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं और अभी कुछ लोग जबकि प्रोन्नति में पूरा स्थगित है, लेकिन किसी जल संसाधन डिपार्टमेंट में आपका बैकडोर से वरीय पदाधिकारी को चालू प्रभार के रूप में उसको नियुक्ति दे दिया गया है, प्रोन्नति दे दिया, चालू प्रभार को प्रोन्नति दे दिया, तो अभी तुरंत इसके लिए बात हुआ पूरा है, मुख्यमंत्री जी के सचिव विनय चौबे जी ने संबंधित विभाग को कह करके इसको रोकने के लिए कहा गया पूरा, और वहाँ पर विनय चौबे जी माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव जी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज करने के लिए एक टीम बना दिया गया है कि क्या क्या हुआ है, 15 से 20 दिन के अंदर में ये मामला को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। बहुत गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कहे और जो पदाधिकारी विनय चौबे जी भी कहें कि 15 से 20 दिन के अंदर में हर हालत में इसका एक कर लिया जाएगा, ताकि जो SC ST का जो प्रोन्नति से बरसों से उसके साथ अन्याय हुआ है उन उसको न्याय मिल सके, और जो भी इस पर दोषी पदाधिकारी हैं उसमें हम सभी लोगों ने ये भी मांगा है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दादा, जो अनुशंसा आप लोगों ने की थी कमेटी के माध्यम से, उम्मीद है कि सरकार उसको अक्षर से मानेगी? नहीं, वो सरकार अभी माननीय मुख्यमंत्री के सामने ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव भी थे, उन्होंने जो अन्याय हुआ है, गलती हुआ है, इसको वो भी मान रहे हैं कि यार हमारा जो सुझाव है वो बिल्कुल उस सुझाव को सही मान रहे हैं, उस सुझाव को सही माना, इसीलिए 15 से 20 दिन एक्सरसाइज कर रहा है कि कुछ पदाधिकारियों का टीम मिल करके उसमें एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करेंगे और जल्द से जल्द इस पर पटाक्षेप हो जाएगा, इसका न्याय कर दिया जाएगा।